नमस्ते दोस्तों, इलेक्ट्रो एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय अमृत और आज हम बात करने जा रहे हैं एटमबर्ग रेनेसा BLDC सीलिंग फैन के बारे में, जो आता है लो पावर कंजम्पशन के साथ, जिससे बिजली की बचत होती है और इन्वर्टर बैटरी पर आप ज्यादा देर तक चला सकते हैं, बिजली बिल आपका कम आता है, स्पीड अच्छी होती है, नीचे LED लाइट्स होती हैं, बूस्ट टाइमर स्लीप ऐसी कुछ फीचर्स इसमें स्पेशल होती हैं, वो है एटमबर्ग रेनेसा फैन। हम इसके बारे में बात करेंगे, इसके फीचर्स, इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपको बताएंगे। आप आखिर तक वीडियो को देखें। हम यहाँ पर तीन कलर्स लेकर बैठे हुए हैं एटमबर्ग रेनेसा के। ये है व्हाइट एंड ब्लैक, ये मैट ब्लैक और ये मैट ब्राउन। तीनों 1200 mm स्विप के साथ में है, 48 इंच टाइप का स्विप है। दोस्तों, ये पंखा काफी अच्छे प्राइस रेंज में हमको मिलता है, लगभग 3200 से 3500 की प्राइस रेंज में हमको मिल जाता है। इसको ऑनलाइन ऑर्डर करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको परचेस कर सकेंगे। तो यहाँ इन तीनों कलर्स के बारे में हम बात करेंगे, इनके फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस और डिफरेंसेस के बारे में हम आपको बताएंगे। आखिर तक वीडियो को आप देखें और मैं इन तीनों को अनबॉक्स करके आपको दिखाता हूँ। इतने अगर आपने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें, ताकि आपको हमारे और भी वीडियोस मिलते रहे। दोस्तों, अनबॉक्स करने के बाद हमें कुछ इस तरह की मोटर सिंग फैंस की मिलती हैं। ये व्हाइट एंड ब्लैक की ब्लैक मोटर है, ये मैट ब्लैक की भी ब्लैक मोटर होती है और ब्लैक इसकी ब्लैक होगी, इसकी व्हाइट होगी। यहाँ मैट ब्राउन की, ये ब्राउन कलर की मोटर देखें आप, मैट ब्राउन काफी अच्छी लगती है। तीनों मोटर्स ये देखें आप, काफी स्पेशल है और कलर तीनों ही स्पेशल है, मैट ब्राउन, मैट ब्लैक और व्हाइट एंड ब्लैक। देखिए आप, ये पूरा ब्लैक कलर और गजब का लगता है। नीचे देखें, ये इस टाइप का इन्होंने दिया हुआ है, ग्लास हो जैसे इस टाइप का एक फाइबर दिया हुआ है और इसमें से आपको LED लाइट्स इसमें दिखती हैं, जो बॉटम में दी हुई है LED लाइट्स। पंखा आप चालू करेंगे तो स्पीड बढ़ाने पर आपको LED लाइट्स चमकती हुई दिखेंगी। आप चाहें तो सारी LED लाइट्स को एक साथ चालू कर सकते हैं या एक साथ बंद कर सकते हैं, वो चीज है। अंदर देखें तो कॉपर वाइंडिंग इसमें होती है, 100% कॉपर वाइंडिंग वाला फैन है ये एटमबर्ग रेनेसा। दोस्तों, काफी स्पेशल फैन है। यहाँ ऊपर की साइड में आप देख रहे हैं, ये सेंसर होता है रिमोट का। हमारे पास एक ये रिमोट होता है इस फैन में, ये रिमोट हमें मिलता है और काफी स्पेशल रिमोट है। पावर बटन है इसमें, 5 स्पीड सेटिंग्स हैं, 1 से लेकर 5 तक। एक बीच में बूस्ट का ऑप्शन है, जिससे कि स्पीड को आप बूस्ट कर सकते हैं और भी हाई स्पीड आपको चाहिए हो तो। यहाँ पर टाइमर दे रखा है, जिससे आप टाइमर सेट कर सकते हैं, पंखे को कितने टाइम के बाद में बंद करना है वो। यहाँ LED है, जिससे आप LEDs को ऑन कर सकते हैं, एक साथ सारी LEDs ऑन हो जाएंगी, या एक साथ सबको ऑफ कर सकते हैं आप। ये स्लीप मोड है, स्लीप से क्या होगा, स्लीप से हर 2 घंटे में 1 स्पीड कम हो जाती है। स्लीप मोड को अगर आप सेट करते हैं तो 4 घंटों तक ऐसा होता है कि हर 2 घंटे में 1 स्पीड कम। कई बार ऐसा होता है ना कि गर्मी ज्यादा लगती है रात में सोते टाइम और फिर बाद में ठंड लगती है, उठना पड़ता है पंखे की स्पीड कम करने के लिए। तो एक बहुत अच्छा फीचर यहाँ पर है स्लीप मोड का, कि आप इसे सेट कर लें कि आपको कितने अंतराल के लिए स्पीड कम करनी है। तो आप 5 की चाल पर सो रहे हैं, 3 की चाल पर आप उठना चाहते हैं, ऐसी स्पीड आपको मिल सकती है स्लिप मोड के जरिए। ये एक अच्छा फीचर इसमें मुझे लगा है, काफी स्पेशल है। और इसके साथ में एक ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर परचेस, योर पावर सेविंग स्टार्ट्स नाउ, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। पावर सेविंग बिल्कुल होगी, क्योंकि लो पावर कंजम्पशन इस फैन का होता है, 28 वॉट का लो पावर कंजम्पशन होता है। और 28 वॉट यानी कि नॉर्मल पंखा 70-75 वॉट का है, ये 28 वॉट का लगभग 3 गुना कम पावर यूज करेगा। ये पावर सेविंग होगी तो बिजली की खपत कम होने से बिजली का बिल भी आपको सस्ता मिलेगा, कम बिजली बिल आएगा और इन्वर्टर बैटरी पर आप इसको लगभग 3 गुना ज्यादा देर तक चला पाएंगे। स्पेशल फैन है BLDC यानी कि ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर, इसलिए पावर कम कंज्यूम करती है मोटर और आउटपुट आपको अच्छा मिलता है। इसकी स्पीड के बारे में बात करें तो 340 रिवोल्यूशन प्रति मिनट की इसकी स्पीड होती है, जो कि अच्छी मानी जाती है। और ये जो बूस्ट मोड इसमें दिया हुआ है,
इससे आप स्पीड और बढ़ा सकते हैं। 340 भी अगर आपको कम लगती है तो आप इस बूस्ट मोड को प्रेस करेंगे। बूस्ट मोड बटन प्रेस करने के बाद पंखा 380 रिवॉल्यूशंस प्रति मिनट की स्पीड पर भागने लगेगा। वहां आपको 28 वोल्ट के बजाय ये पंखा 38 वोल्ट कंज्यूम करेगा। इतना सा फर्क है, वहां 38 वोल्ट कंज्यूम करके ये 380 आरपीएम की स्पीड आपको देगा, जो कि हाई स्पीड होती है। 380 आरपीएम काफी अच्छी स्पीड आपको मिल जाती है। एयर डिलीवरी के बारे में बात करें तो 220 क्यूबिक मीटर प्रति मिनट की एयर डिलीवरी इस पंखे में होती है, तो काफी अच्छी एयर डिलीवरी है। दूर तक हवा पहुंचाएगा यह पंखा। लॉन्गर वाइडर ब्लेड स्पैन होता है इसका, स्पेशल चीज है। और ये इस एनवेलप में से मिलता है कि वारंटी कार्ड 2 साल की ऑन साइट वारंटी के साथ में, और एक ये रजिस्ट्रेशन कार्ड जिससे कि 1 साल एक्सटेंड हो जाती है आपके पंखे की वारंटी, यानी कि टोटल 3 साल की वारंटी आपको मिल जाती है इस पंखे के साथ में। और ये एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी दिया हुआ है, इसके अंदर यूज करना दिखाया है, पंखे को कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे इस रिमोट को यूज करना है वो सब यहाँ पर दिखाया है। कैसे बिना रिमोट के भी आप इसको ऑपरेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो सब यहाँ बताया है। और स्पेशल चीज है BLDC मोटर, जिससे कि आपको पावर कम कंज्यूम होगा तो बहुत स्मूथ चलेगा पंखा। डबल बॉल बेयरिंग्स की वजह से और पावर कम कंज्यूम करने से आपका बिजली बिल काफी कम हो जाता है और आप खुश होते हैं, यार 3,500 का पंखा लिया मैंने और 2 साल में तो इसकी भरपाई कर देता है खुद ही पंखा। लगभग 1500 रुपए की साल भर में बचत करता है ये पंखा, तो 2 साल में तो ये खुद ही फ्री हो जाता है। इस टाइप का पंखा है ये। अब दोस्तों मैं इनकी एक एक ब्लेड को इन मोटर्स के साथ में लगाकर आपको दिखाता हूँ कि ये पंखे ब्लेड लगाने के बाद में कैसे दिखते हैं। दोस्तों ब्लेड्स लगाने के बाद ये तीनों फैंस कुछ ऐसे दिखते हैं। देखिए काफी खूबसूरत लगते हैं ये ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक मोटर और व्हाइट ब्लेड के साथ में, ये बीच में मैट ब्लैक और लास्ट में मैट ब्राउन कलर, तीनों ही खूबसूरत हैं, काफी स्पेशल है BLDC फैन। और रूम की सीलिंग में आप लगाएंगे तो काफी अच्छे लगेंगे। व्हाइट पेंट अगर इस तरह का है, जो मेरे पीछे आप दीवार देख सकते हैं, इस तरह के व्हाइट पेंट या POP पर ये काफी सूट करेगा। ये वाला ब्लैक भी अच्छा लगेगा, अपोजिट कलर होगा, और ब्राउन भी अच्छा लगता है, मैट ब्राउन है तो ये भी उठाव देगा। और अगर फर्नीचर है रूम में तो वहां ये अपोजिट कलर हो जाएगा और ये दोनों भी मैच करेंगे, तो दोनों सिचुएशंस में पंखा तीनों ही अच्छे हैं, तीनों कलर अच्छे हैं। आपको जो अच्छा लगता है वो आप परचेस कर सकते हैं। ऑर्डर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इसको परचेस करेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है। तो दोस्तों ये हमने बात की एडम्बर ग्रेनेसा BLDC सीलिंग फैन के बारे में। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे और भी वीडियोस देखते रहें। थैंक यू।